Good morning, sir. Morning. Any calls? No, sir. Yes, how may I help you? Mr. Inamdar has called me. Morning, sir. Morning. Yes. May I come in, sir? Yes, come in, Kaushik. Thank you, sir. Sir, Bala ka kuch pata nahi hai. His phone is out of range. साला पता नहीं कहां गया। अंधेरी डबल मर्डर में पुलिस को नई ब्रेक मिली है। ऐसे मामले में बाला विल बी द बेस्ट पर्सन। सचिन किधर है? वो साकिना का पे स्टोरी कवर कर रहा है सर। कौन सी? सिग्नल पर भीख मांग मांग कर करोड़पति हुए भिखारी की। रियली? हम भी यही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, वो नायडू को डीएन नगर पुलिस स्टेशन भेज दो। नहीं नहीं, उसका साउथ इंडियन एक्सेंट है। What about Vidya? She's a bright girl. Vidya crime नहीं कर पाएगी सर, वो तो entertainment में है। तो क्या? Channel के लिए सभी कुछ entertainment है। Package बदल के बेच दो। Send her. Excuse me sir. Hello. हाँ बोलिए। नहीं वो तो नहीं है। Okay. कौन था? पता नहीं सर, दिल्ली से कोई बाला के लिए पूछ रहा था। कहाँ गया होगा ये बाला? नमस्कार, डेटलाइन चैनल के लिए कैमरामैन रफीक के साथ मैं हूँ विद्या सैगर और ये है मुंबई का तनेजा हॉस्पिटल। मुंबई का हर बड़ा आदमी जो बीमार होता है वो यहीं पे एडमिट होता है और आप देख रहे हैं तनेजा हॉस्पिटल का वेस्ट विंग सेकंड फ्लोर का कॉरिडोर और यहीं पे है बॉलीवुड के सुपरस्टार राहुल कपूर। जिस तरह वो फिल्मों में दुश्मनों से लड़ते हैं उसी तरह वो आज मौत से लड़ रहे हैं। मोनिका, विद्या, वहाँ पे माहौल कैसा है? लोग हॉस्पिटल के बाहर बहुत मायूसी से खड़े हैं क्योंकि इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए उन पर लगे हैं। अच्छा, उनको जब अस्पताल में लाया गया तो उन्होंने कपड़े कौन से पहने थे? अपनी फेवरेट व्हाइट शर्ट और ब्राउन ट्राउजर। क्या उनके घर वाले भी वहाँ मौजूद हैं? जी, उनका पूरा परिवार यहीं पे है। और वो मशहूर एक्ट्रेस मलिष्का भी वहाँ मौजूद है? जी हाँ मोनिका, वो यहीं पे आई थी कुछ देर पहले, फिर अचानक चली गई। जाते वक्त उन्होंने भगवान से राहुल कपूर के हेल्थ की दुआएं की। आखिर ये सब हुआ कैसे? पेपअप एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद अचानक उन्हें भारी वीकनेस आई और वो शूटिंग के दौरान गिर पड़े। यही है वो स्ट्रेचर जिस पर राहुल कपूर को लाया गया। कल तक ये आम स्ट्रेचर था लेकिन उनके लेटने के बाद ये बन गया है सेलिब्रिटी स्ट्रेचर। आज के बाद इसका इस्तेमाल सिर्फ वीआईपी पेशेंट्स के लिए किया जाएगा। शुक्रिया विद्या, हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ताजा खबरें। तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? हाँ, स्टूडियो से भी कैसे सवाल पूछते हैं? अगर कोई अस्पताल में एडमिट होगा तो उसके घर वाले तो होंगे ही ना साथ में। वो बात नहीं है, कुछ और बात है, बताओ। असल में तुमने जो सेलिब्रिटी स्ट्रेचर दिखाया था ना, वो नहीं था। तो चलो ठीक है, अपना काम तो हो गया। वैसे तुमने क्या कहा था स्ट्रेचर के बारे में? सेलिब्रिटी स्ट्रेचर, व्हाट अ चॉइस ऑफ वर्ड्स। कौशिक, अंधेरी डबल मर्डर केस इसे ही कवर करने को बोल दो। वहां जाकर मैं करूंगी क्या सर?
मुझे क्राइम रिपोर्टिंग ना तो करनी है ना मैंने कभी की है आज तक, प्लीज सर। सर कौशिक क्या हुआ? हमको जाना है अब डीएन नगर पुलिस स्टेशन। हाँ तो चलो। ओ कम ऑन विद्या, वहाँ जाके सीधा शुरू करो। मैं विद्या डीएन नगर पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट कर रही हूँ। डेडलाइन चैनल कैमरामैन रफीक के साथ। वहाँ के लोग अब बहुत ही घबराए हुए हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ सीनियर से। हाय रेशमा। हमारा पुलिस पे से विश्वास उठ गया है, आए दिन खून और डकैती होते रहते हैं। हे गुड मॉर्निंग विद्या। हाय। तुम्हारी स्टोरी चल रही है? हाँ सुन रही हूँ। तुम्हारे भाई के एडमिशन का क्या हुआ? हाँ एडमिशन हो गया। ओह गुड। या कब तक रहेगा ये खौफ? क्या ऐसे हालात का कोई कायम उपाय नहीं किया जा सकता? देखते हैं पुलिस इस बारे में क्या कहती है। जनता को पुलिस की मदद करनी चाहिए। जनता को पुलिस की मदद करनी चाहिए। अभी अगर जनता पुलिस को सपोर्ट नहीं करेगी। ए भाई दबे, आज सच का लॉन्च कितने बजे है? सच घुमा फिरा के नहीं बल्कि सिर्फ सत्य के रूप में पेश करना हमारे चैनल की टॉप प्रायोरिटी है, कर्तव्य है। सच जल्द से जल्द आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये त्रिवेदी, एक बार इसे कवरेज के लिए भेजा था, बैंक ऑफ इंडिया की जगह टाइम्स ऑफ इंडिया पहुंच गया था। झूठ का पर्दाफाश हर वक्त हर दम, यही है सच का स्लोगन। आज हम आपको ले जा रहे हैं शहरी सभ्यता से दूर जंगल में, जहां मुख्यमंत्री जी का बेटा आज शिकार करने जा रहा है। आप देखेंगे कैसे गिराता है वो जानवरों को, और इस जुर्म में उसका साथ दे रहे हैं खुद जंगल के रखवाले। आखिर ये सब होता कैसे है? क्या इस चीज को रोका नहीं जा सकता? और सबसे अहम बात, क्या इन अपराधियों को सजा मिल सकती है? ये सब जानने के लिए हम चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता बालकृष्णन के साथ। दाजीपुर जंगल में हिरण कम होते जा रहे हैं, कारण कुछ बड़े लोग और करप्शन। मैं बालकृष्णन यही पता करने दाजीपुर जंगल आ पहुंचा हूं सच चैनल के लिए। आई न्यू इट। बचा नहीं कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो दीवारों ने सुना नहीं। शीशे के घरों में रहने वाले होते नहीं महफूज। और जम्मू से मैं हूँ रोहित कुमार, चैनल डेडलाइन के लिए। देसाई बाला ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उसे इस इंडस्ट्री में। अरोरा, हम कुछ नहीं कर सकते। पर फिर भी एक चैनल की स्टोरी लेकर दूसरे को दे देगा,
सर हमने वो स्टोरी रिजेक्ट की थी। आजकल जर्नलिज्म में लॉयल्टी एक्सपेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। बाला की जगह नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। न्यूजीलैंड का कमलेश है सर। किसी बाहर के आदमी को लाकर सिर पे बिठाना अच्छा नहीं है। तो अपना ही कोई। हमारे पास कौन है ऐसा? देसाई आप हेड्स को भी ना बोलते हैं और टेल्स को भी। मुझे लगता है हमें विद्या को ट्राई करना चाहिए। क्या विद्या क्राइम में? सर इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब। सो व्हाट, वी विल ट्रेन हर टू बी अ स्पेशलिस्ट। नहीं नहीं ये उसके बस की बात नहीं है। देसाई मैं उससे बात करता हूँ सर। एक डीएन नगर की स्टोरी क्या कर ली, इसका मतलब अब मैं क्राइम कवर करूं? व्हाई नॉट। तो इसके बाद आप मुझे पॉलिटिक्स, कुकरी शो, सास बहू प्रोग्राम्स करने को कहेंगे? विद्या देखो मैं देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ। अरे चैलेंज समझ कर आ गए तो इसमें भी मजा आएगा। क्राइम में मजा आएगा? हाँ। मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ है। विद्या अगर तुम विद्या हाँ कहो। लेकिन मेरी एक सब शर्तें मंजूर है। शर्तें नहीं शर्त, मैं अपनी टीम खुद चुनूंगी। चलो मैं तुम्हारी टीम में। तुमने हाँ कह के ठीक किया, शेफाली और अरुण तुम्हारी टीम में होंगे। ओके फाइन। मैं कोई ताश का जोकर हूँ क्या कि जहाँ जी चाहा वहाँ फिट कर दिया और रमी डिक्लेयर करती? क्राइम, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, इस तरह मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन बन जाऊंगी। डैड तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो उसे, फॉरगेट अबाउट इट। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, इसकी भी तो कोई अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। विद्या अगर तुम मुझसे पहले कहती तो तुम डैम के आंदोलन में काम कर सकती थी। ऐसे कोई रेडीमेड आंदोलन नहीं होते, अंदर से महसूस करना पड़ता है। एग्जैक्टली यू हैव टू बी फोकस्ड। अब देखो विद्या तुम्हारी उम्र हो गई है, यू नो व्हाट आई मीन। ओह नो, इसका मतलब है कि अब बात शादी पे आ जाएगी। व्हाई नॉट, अच्छी नौकरी या शादी, ये कोई ऑप्शंस होते हैं डैड? एमलेस सोशल वर्क से फ्रूटफुल मैरिज, हेल्थी मैरिज इज फार बेटर एंड इज वेरी वेरी गुड। क्यों तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। मतलब मुझसे शादी करके तुम्हें कोई शिकायत है क्या? अरे लिसन विद्या, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है ना तो हमें बता देना प्लीज। लिसन डैड, अगर मेरे लाइफ में कोई आएगा ना सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। ओह अब ये मत कहना कि मैं शर्मा कर जा रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम, निशान बहुत छोड़ते हो हमेशा। क्या करो, मेरी बीवी को ऐसा बच्चा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो मेरा फोन। हेलो। हाँ विद्या बोल। कहा हो तुम? बोल ना, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? बाला ने डेडलाइन छोड़ दिया इसलिए ना? वो बात नहीं है, मुझे क्राइम बीट में ट्रांसफर किया है। तो मैं नहीं करना चाहती। आर यू क्रेजी, आर यू मैड? ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जस्ट डू इट। मैं सोच रही हूँ कि मैं सोचो मत, करो एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बाय। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि कुत्तों को बिस्किट और दूध देने के बजाय वहीं पार्क में चार भूखे लड़के सोए उन्हें खिला दो, तो कहने लगी टुडे इज वर्ल्ड पेट एनिमल डे। कैपिटलिस्ट पतियों की सोशलिस्ट बीवियां। सोशलिज्म से आपको क्या दुश्मनी है? मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है? अब सोचो, पेड़ के दो पत्ते भी एक समान नहीं होते तो फिर इंसान कैसे होंगे, कैसे आएगा सोशलिज्म? विद्या तुम्हें क्या लगता है? दो महासत्ताओं में मैं सिर्फ एक छोटा देश हूँ, आपका झगड़ा है आप ही सुलझाएं। तुम्हारी मॉम एक परफेक्ट सोशलिस्ट है। अब देखो ना, सारे पराठे एक समान, आल्सो वेरी वेरी टेस्टी। सॉरी 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 सॉरी। बाय मॉम, बाय डैड, बाय बेटा, बाय बेटा। वो जरा दीजिए। बाला कहाँ हो तुम? सॉरी विद्या, I just couldn't tell you, सब कुछ इतना फास्ट हो गया कि मैं मुझे भी बताने का टाइम नहीं मिला। हाँ अभी कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ। और कहाँ? ओके उसके पहले मिल सकती हो? एक हेयरपिन खरीदती हूँ ना तब भी मैं तुम्हें बताती हूँ, और तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया बिना बताए। सब मुझसे पूछ रहे थे बाला कहाँ है, बाला कहाँ है। अब तो पूछेंगे ही, लेकिन तब तो कभी किसी को नहीं पड़ी थी।
इतनी अच्छी स्टोरी हाथ लगी थी, रिजेक्ट कर दी तुम्हारे चैनल वालों ने। दो दिन में हो गया तुम्हारा चैनल। अरोरा डर गया था ना, सीएम का बेटा इन्वॉल्व था शायद इसलिए। सच को देखो, स्टोरी एक्सेप्ट की एंड दे गिव मी फुल फ्रीडम इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड सी द टीआरपी बूम। बल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं क्या? व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस? आई हैव एन ऑफर फॉर यू। मैं चाहता हूं कि तुम भी सच ज्वाइन कर लो। क्या दे विल गिव यू अ गुड पैकेज? मैंने त्रिवेदी से बात की है। मुझे सच नहीं ज्वाइन करना है। सच? आई मीन सच में तुम्हें सच ज्वाइन नहीं करना? हां नहीं आना चाहती। मैं ज्वाइन करूंगी और तुम छोड़ के कहीं और चले गए तो? वेल सच को छोड़ के कहीं जाऊंगा तो झूठ की तरफ ही जाऊंगा। कांट यू बी सीरियस? ऑफ कोर्स आई कैन बी। आई कैन बी सीरियसली फनी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। हे लिसन, ए रुको रुको। ओके फ्रेंड्स, ये है स्पाई कैम। ओके, ये स्पाई कैम आप कहीं भी फिट कर सकते हो, जैसे कि आपके पर्स में, आपके बैग्स में, या फिर आपके शर्ट के बटन्स में, या फिर नेकलेस में, कहीं भी। ये है डिकोडर, और ये पूरे डिवाइस की जो रेंज है वो करीबन 60 मीटर से लेके 100 मीटर तक की है। ये कैमरा फिट करने के बाद इस डिकोडर के जरिए आप उसी रेंज में, इस कैमरा में जो भी शूट होगा, जो भी कवर होगा, वो देख सकते हो। रफीक, विल यू प्लीज? या आप इस कैमरा को लेके कहीं भी जाइए, घूम के आइए। ओके ओके, या कम ऑन शूट। इस डिकोडर के जरिए हम लोग इस कैमरा में देखेंगे क्या दिखता है। ओके कम ऑन। न्यूज रूम से वो क्या हुआ? रफीक गलती से बाथरूम में गया। What about our story? Hit, super duper. अब तो सिर्फ AIM चैनल की TRPs को क्रॉस करना है। Sir, I have another story. What? Petro farming. यानी क्या? केरला के एक फार्मर ने पेड़ की पत्तियों से बायोफ्यूल बनाया है जो एविएशन फ्यूल जितना प्योर है। This story and will surpass AIM's TRPs. Good, go ahead. And budget is not a problem. Thank you, sir. और अगर आप DV cams यूज करना चाहते हो तो आपके बैग में एक छेद होना बहुत जरूरी है लेंस के लिए। सर अगर शूट करते वक्त बैटरी खत्म हो जाए या टेप खत्म हो जाए तो? फिर ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर बैटरी खत्म हो ही जाती है तो आपको वहां से बाहर निकलना होगा। मगर हाँ, रिमेंबर वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आपके सामने बड़ी हस्तियां हैं तो खतरा भी ज्यादा है। हर पल एक पहरा है तेरी तन्हाई पे, एतबार ना करना अपनी परछाई पे। विद्या, कल तुमने मुझे फोन किया था, मेरा मोबाइल आउट ऑफ रेंज था। हाँ, वो ट्रेनिंग कंप्लीट, राइट? आई गिव यू अ स्टोरी टू स्टार्ट विद, विल यू डू इट? लेकिन तुम खुद भी तो जर्नलिस्ट हो। वो क्या है ना, मेरे कनेक्शंस कुछ ऐसे उलझे हुए हैं कि मैं खुद नहीं कर सकती। अच्छा तो कैसे करें? तो सुन, जिससे उसकी शादी हो रही है वो एक आम आदमी है। लड़की के पिता एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, और उन्हें ये शादी मंजूर नहीं है, इसलिए बगैर तलाक के ही वो बेटी की दूसरी शादी करा रहे हैं, और बेटी घर में कैद है। न्यूज़ कंफर्म्ड है? 101% सर। मिनिस्टर का नाम? दिग्विजय सिंह बुंदेला। विद्या, ये वही आदमी है ना जिसकी गाड़ी से सोना बरामद हुआ था? व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? पहले मैं लड़के से मिलूंगी, फिर मैं लड़की का इंटरव्यू लूंगी। एनी सोर्सेज है सर? तो फिर देर किस बात की? कौशिक, सैंक्शन अ गुड बजट। यस सर। कब निकलोगी तुम? इमीडिएटली सर। मैंने कैमरा प्लेस कर दिया है, नाउ इट्स ओके। कहीं ऐसा ना हो वो मिनिस्टर तुम्हारा हाथ मांग ले। और कहीं ऐसा भी ना हो कि मैं उसे हाँ कह बैठूं। स्टूपिड। अच्छा सुन, उस लड़की का नाम है नेहा, और जिससे उसकी शादी हुई है ना उसका नाम है रवि। देखो, कॉन्फिडेंटली अंदर चले जाना और सब मालूम करके बाहर आना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो डोंट पैनिक, अंदर आना, आराम से बाहर चले आना। हाँ चलो, गेट रेडी। या मैडम, आपसे कोई मिलने आया?
नमस्ते, मैं और नेहा एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। आंटी मैं दीप रजवाली का कौर, कॉलेज में सब मुझे सिल्की के नाम से ही जानते थे। सिल्की, ये भी कोई नाम हुआ? अब दिल्ली में हमारे यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। नेहा बाहर गई है बेटी, 4-5 दिन बाद आएगी। ओह आंटी, उसका मोबाइल नंबर मिलेगा प्लीज? 8-10 आंकड़ों वाला मोबाइल नंबर कैसे याद रखूंगी? आंटी बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा नेहा से मिलती चलो। तो वो तो अब नहीं है, फिर कभी आना। चौकीदार इनको जरा बाहर तक छोड़ आना। थैंक यू आंटी, मैं चली जाऊंगी। यू गाइस ओ मी अ पार्टी। हाँ क्यों? मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जो बुंदेला के घर में काम करता है, उसे मैंने पटाया है और कल वो मुझे और रफीक को घर के अंदर ले जाएगा। बोलो। वो बड़ी वाली गाड़ी एयरपोर्ट भेज देना जी, ठीक है? जी सर। अरे यार इतनी तैयारी में तो मैं आधा दर्जन शादी कर सकता हूँ। क्या है ये साहब? झाड़ू वाली और रसोईया चाहिए था ना? कल आपने बताया था। प्रसाद बाबू। हाँ सुन रहा हूँ मैं। ये झाड़ू वाली है और ये। हाँ ठीक है, इसे काम पर रख लो और जी, जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो रसोई आ गया है। हाँ चलिए। रफीक अंदर नहीं जा पाए तो? रफीक कुछ भी करके अंदर घुस जाएगा, देखना तुम। ये ए, जाओ तुम, अभी यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। मैं कुछ भी कर लूंगा सरकार, बस यहाँ खड़ा रहता हूँ। हेलो अरुण, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। मुझे लगता है नेहा को कहीं और छुपाया है, 2-3 और कमरे हैं, मैं चेक करती हूँ। ओके ओके। शर्मा जी के लिए जो कमरा रखा था उसके पंखे नहीं चल रहे। तो इलेक्ट्रिशियन को बुला दो यार। वो तो ससुराल गया है। बीवी तो भाग गई उसकी, अब कौन से ससुराल? आप क्या करें सरकार, मैं देख लूं। तुम तो रसोई हो। पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सरकार, और देखिए ना पेट भी तो कितना बड़ा है। जाओ उसे कमरा दिखा दो। चलो इधर इधर चलो। दरोगा जी से कहिए कूल। दरोगा जी से कहिए कहाँ गई विद्या। ए, कोई जरूरत नहीं है बीवी जी, काम होते ही निकल जाऊंगी। शिवाली, रफीक अंदर आया, ये एक और आखिरी मौका है। वो अंदर आ चुका है, तुम कहाँ हो? मैं नेहा के कमरे में हूँ, 2री मंजिल आखिरी कमरा। हाँ ठीक है, मैं उसे वहाँ भेजता हूँ। ए, तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? तुम्हें रवि ने भेजा है? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अपनी जान तुम खतरे में डाल रही हो, रवि से कहना कहीं दूर चला जाए, अब हमारा मिलन अगले जन्म में ही हो सकेगा। फिल्मों जैसी बातें मत करो। ओ रफीक, ये मेरा साथी है। Hi, how are you? कैमरा Hi. नेहा yeah. तुम रवि से प्यार करती हो? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पापा को वो पसंद नहीं है, वो हमारे बराबरी का नहीं है। तो तुम भाग कर शादी क्यों नहीं कर लेती? वो तो हमने की है, उज्जैन के एक मंदिर में। सबूत है? हाँ है। मिल रहा है ना? रफीक या सर्टिफिकेट ऊपर ऊपर। या गॉट इट। इसका मतलब ये तुम्हारी दूसरी शादी होगी और वो भी जबरदस्ती। हाँ लेकिन रवि कहाँ है? वो हमारे साथ है, उसे कहना संभल के रहे और मुझे भूल जाए।
तुम्हें यहाँ पे कैद किसने रखा है? मेरे पापा ने। उनका नाम? उन्हें तो सब जानते हैं। पर उनका नाम क्या है? दिग्विजय सिंह बुंदेला। नेहा तुम समझ गई ना, बस हमें दो दिन दो फिर रवि और तुम एक साथ रहोगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये रफीक। और एक और बात, जो तुमने आज कहा है अपना कहना बदलोगी तो नहीं ना? नहीं। गुड। अरुण गाड़ी तैयार करो, चलो चलो। सुनिए, हाँ मेरे पापा को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। विद्या चलो, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। ग्रेट स्टोरी ना? या या, यू विल बी अ स्टार आफ्टर दिस। रफीक यू नो, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आया। विद्या भाग, विद्या भाग, मत। अरे वो तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं था। और तुम्हारी स्पीड क्या थी? सुपर। रवि तुमको सब कुछ बताया है ना? हाँ शायद। और जो नेहा ने कहा है तुमने सुना? हाँ। अभी इधर आ। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नहीं, कौन से मंदिर में? टेम्पल में। कृष्ण जी के मंदिर में। वो कृष्ण जी का टेम्पल का फुटेज दो। हाँ अच्छा, हम उज्जैन में है, टेम्पल में है जहाँ पे तुम्हारी शादी हुई थी, ये वो जगह है। ओके, समझ रहे हो ना? किसी को पता नहीं चलेगा। Understood ना? चलो यहाँ पे आओ, इसका पफ मारो जल्दी से। मेरे फेस पे शाइन नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा, और ये हाइट प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नो नो, डोंट वरी। अच्छा मुझे माइक दो। रेडी? रोलिंग। मैं हूँ विद्या सहगल, डेट लाइन चैनल के लिए। मेरे साथ है रवि कुमार, जिसकी शादी हुई है नेहा के साथ। हाँ, ही विल कम देयर। हाँ वो आ जाएगा। ये देखो। ओ ओके, या गिव मी द नंबर 24। और ये एक है। देसाई साहब, यहाँ जो डीवी टेप्स रखे थे मैंने देखे आपने? नहीं, तुम ठीक से रखती क्यों नहीं? ओके। ये सब तस्वीरें तभी की है। अरे पूरे मीडिया को हिला दिया था। तब तुम्हारे टीवी वगैरह नहीं थे। प्रिंट मीडिया वॉज एट इट्स बेस्ट। देसाई साहब, आधा तो कॉफी मारते हैं क्या? नहीं, दिमाग का टेंशन चला जाएगा। हेलो। हेलो, मैं पूना से संगीता बोल रही हूँ। आप विद्या जी बोल रही हैं? हाँ बोलिए। मैंने आपकी वो नेहा वाली न्यूज़ देखी, मुझे आपसे मिलना है। क्या काम है? देखिए वो तो मैं आपको मिलने पर ही बता सकती हूँ। आपका मोबाइल नंबर है? देखिए वो मैं नहीं दे सकती, आप मुझे अपना नंबर दीजिए। जी लीजिए। 2421-6425। ओके ठीक है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर अरोरा टू मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट प्लीज सर। खास बात नहीं है, एक छोटा सा केक है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट। विद्या, वी हैव डिसाइडेड टू प्रमोट यू टू स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। हार्ट शेप केक। कांग्रेट्स। थैंक्स। काटो। काटिए। So, thank you. The chief correspondent. Now I have to report to you, huh? Yes, yes, yes. लेकिन बुंदेला का स्टिंग ऑपरेशन, too exciting. Wonderful. लेकिन तुम्हें स्टोरी मिली कहाँ से? मिली? अरे बताओ भी। तृष्णा। तृष्णा, तुम जानती हो उसे खबरें कैसे मिलती हैं? रफीक, उससे हमारा क्या लेना देना? विद्या, विद्या, इट्स डेंजरस फॉर यू। आई नो, लेकिन क्या कमाल की स्टोरी है ना? कृष्णा, पता है जब हम जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे थे तो वो सबसे ज्यादा आइडियलिस्टिक थी। और अब? अब वो प्रैक्टिकली सोचती है। रफीक, उसका कहना है कि मर्द उसे इस्तेमाल नहीं करते, वो उनका इस्तेमाल करती है। छोड़ो ना, हमें बस एक और ऐसी सेंसेशनल स्टोरी ढूंढनी है। ढूंढनी है। वहां जाकर हमें यह सोचना है कि आगे चलकर हमें क्या करना है। आप लोगों के दिमाग में जो भी है डिस्कस करो, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सो आई एश्योर यू
वहां हम लोग काम के साथ साथ मौज मस्ती भी करेंगे. सो यू हैव ब्रेन्स एंड वी हैव अ नाइस प्लेस. वहां से वापस आकर हम लोग एक जोरदार धमाका करेंगे. ऐसी कौन सी जगह है जहां इतना सब कुछ हो सकता है? वुडलैंड रिसोर्ट. आजकल मीडिया का जो ट्रेंड है उसे अगर आप ठीक से देखें तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमें एंटरटेनमेंट, क्राइम और सेक्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए. बढ़ती हुई आबादी और गरीबी गुनाहों की संख्या बढ़ाती हैं. जितने गुनाह बढ़ेंगे उतनी ही स्टोरियां ज्यादा होंगी, और जिस तेजी से गुनहगार आजकल राजनीति में दाखिल हो रहे हैं उससे भले किसी और को फायदा हो ना हो लेकिन हमें बहुत फायदा हो सकता है. क्राइम टाइम नाम का एक घंटे का स्लॉट क्रिएट करने का हमारा इरादा है. वाओ. और इस स्लॉट की पहली स्टोरी नायडू आप करेंगे. क्या बात है. थैंक यू सर. ओह सर, क्राइम स्टोरियां तो सब करते हैं पर उसका उपाय कोई नहीं बताता. विद्या, वो तो कानून का काम है, हमें सिर्फ हकीकत बतानी है. हम मदद तो कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं. कानून अंधा होता है, सुन तो सकता है ना. ऐसी कोशिशें बहुतों ने की लेकिन अब. जस्ट अ मिनट. विद्या, तुम कहना क्या चाहती हो? सर, एक्सीडेंट होने पर बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि पंचनामा होते होते इतना वक्त बीत जाता है. गुना के बाद भी जब तक केस कोर्ट तक पहुंचता है उसका रुख बिल्कुल बदल जाता है. मेडिकल इमरजेंसी में जितने कम समय में एम्बुलेंस वहां तक पहुंचती है उतने कम समय में अगर हमारा कानूनी एम्बुलेंस वहां पहुंचे तो. कानून की एम्बुलेंस. मिस्टर देसाई, प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए. थैंक यू. जुडिशियल एम्बुलेंस या कानूनी एम्बुलेंस, उसमें एक विटनेस होगा, एक जज होगा. वो घटना स्थल पर ही गवाहों से बयान लेंगे जो ऑफिशियली या लीगली इंडोर्स कर सकेंगे. इस तरह गवाहों को अपना बयान बदलने का मौका या वक्त ही नहीं मिलेगा. ये होगा कैसे? हम एक एक्सीडेंट की घटना क्रिएट करेंगे. आम केसेस में पंचनामा होकर मरीज को हॉस्पिटल में दाखिल कराने का समय हम राइट हैंड कॉर्नर में फ्लैश करते रहेंगे. फिर हमारी कानूनी एम्बुलेंस वहां पे पहुंचेगी बिल्कुल कम से कम समय में, सारा पेपर वर्क करके वो मरीज को हॉस्पिटल में दाखिल करा देगी. ऐसी कोई एम्बुलेंस हो ये कोई नहीं चाहेगा. क्यों? क्यों नहीं चाहेगा? अगर किसी बड़े आदमी या नेता के हाथों कुछ होता है तो उसका गुनाह तो तुरंत साबित हो जाएगा, उसे विटनेसेस मैनिपुलेट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा. और ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई बिल पेश हो. दिन दिला गया तो मैं भी गया. साली क्यों किया तूने ऐसा? हैं? हैं? मैंने किया? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अपनी औकात में रहना समझी, वरना फेंकवा दूंगा किसी भी ऊंची बिल्डिंग से. कुछ ऐसी बातें जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे जिंदा रखने में काफी है. तुम्हारी सजेशन अच्छी है पर उसमें कितनी ताकत है? 2 episodes, 3, maximum 4, उसके बाद क्या? तो सर आपकी सजेशन क्या है? मैं चाहता हूं कि क्राइम टाइम से पहले, हमें सिर्फ क्राइम की स्टोरीज कवर करनी चाहिए. खाना लगा दूं सर? मैं यहां बात कर रहा हूं, ये देख रहे हो ना तुम? टाइम पे खाने के लिए घर है मेरा. इट्स ओके सर, प्लीज कैरी ऑन. चलो. तुम्हारी जो ड्राइव है वो तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग साबित करती है. यू आर वेरी पैशनेट. गुड नाइट सर. और अगर तुम ज्यादा पैशनेट और एम्बिशियस बनोगी ना तो तुम कहां से कहां तक पहुंच सकती हो. इनफैक्ट मैं तुम्हें. सर आप हाथ हटाएंगे तो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाऊंगी. किसी को पता नहीं चलेगा. सर आप अभी चले जाएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा. कम ऑन. Thank you.
विद्या, विद्या, वो कल रात को कुछ ज्यादा ही, ऐसा फिर तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। इट्स ओके सर। देखिए भाई साहब, चौधरी मिनिस्टर है, उसके पास गुंडे हैं, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें धमकी देके गया क्या? इशारा। तो ये बात तो तुम मुझे फोन पर भी बता सकते थे। आजकल तो एसटीडी बड़ी सस्ती हो गई है, मिला वजह से मेरा समय बर्बाद किया तुमने। ठीक है, मैं विद्यार्थी मिलकर के चला जाऊंगा आज ही, और खाना रास्ते में मैं कहीं ठीक है यहीं खा लूंगा। भाई साहब, जंगल और फैक्ट्री के सिवा आपके लिए और कुछ भी नहीं? 10 पीस पेड़ काटेंगे, क्या फर्क पड़ेगा आपको? इतने बाल अगर रोज अपने सर पे से उखाड़ोगे ना, तो साल भर में गंजे हो जाओगे। लेकिन भाई साहब, अगर फैक्ट्री वहाँ बन जाएगी ना, तो वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी, बस देखते देखते गांव शहर बन जाएगा। पैसे खर्च करके नकली विलेज कॉटेजेस में रहने से कहीं अच्छा है कि गांव को गांव रहने दो। ठीक कह रहा हूँ ना? यानी फैक्ट्रियां बननी नहीं चाहिए? पेड़ काट कर तो नहीं, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि सारी बिल्डिंग को उखाड़ करके यहाँ पे कॉटेजेस बनवा दो। अरे मैं गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं वहीं मरना चाहता हूँ, मैं खुद मरूँ या कोई मुझे मरवाए, ये तो ऊपर वाला जानता है। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे लड़ लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। चाचा जी। बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। इस बार तो आप रहेंगे ना 2-4 दिन या कहेंगे? बेटा क्या है वो कि वहाँ सूरज उगने के लिए मेरा इंतजार करता रहेगा। सच बात ये बेटा कि मेरा कहीं मन नहीं लगता, लेकिन तू क्यों नहीं आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने को? दिल तो बहुत करता है चाचा जी, पर यहाँ सूरज मेरे उगने के लिए इंतजार करता है। हाँ, सुबह 9 बजे। डेडलाइन किससे बात करनी है? विद्या जी है। और वो एक सेकंड। हेलो, मैं संगीता। हाँ हाँ, वो आपने कहा था कि 2 दिन के बाद। हाँ, ऐसा करो तुम यहाँ ऑफिस में आके मुझे मिल लो, एड्रेस लिखो। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अगर आप। अच्छा मैं आती हूँ। कहाँ? पूना में फातिमा नगर C3 187/2 उभे पाटिल रोड। आप संगीता हैं? जी। मैं विद्या। आइए। बैठिए। पानी? नहीं। मैंने आपको बहुत बार फोन किया था। बात क्या है? मुझे आपकी मदद चाहिए। हम लोग अलीबाग में रहते थे, बाबा हेड कांस्टेबल थे, हम वही क्वार्टर्स में रहते थे, और फिर अचानक हार्ट अटैक की वजह से वो गुजर गए। उनके गुजरने के बाद क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर आया। अब मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, हम सब कहाँ जाते? तो डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि SP साहब से जाकर मिल लो, शायद वही कुछ रास्ता दिखाए। मैं SP साहब से मिलने गई। बैठो। ये एप्लीकेशन है, वहां नीचे साइन कर दो। जी। उस तरफ। और मैं अभी तुम्हारे क्वार्टर्स का एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी। कहाँ तक पढ़ी हो? अभी HSC पास किया है। HSC पास किया है। कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। जी। और डिपार्टमेंट तुम्हारी पूरी मदद करेगा। अब इतना परेशान दिखने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा मुस्कुरा सकती हो। हो जाएगा तुम्हारा काम। चाय। लगा कि अब खतरा टल गया है,
कि तभी गुप्ता का पुणे में ट्रांसफर हो गया। कौन गुप्ता? एसपी साहब। हाँ, फिर? वापस घर खाली करने का नोटिस आया। लेकिन वो ऑर्डर? हाँ, वही पता करने में यहाँ सीधे पुणे आई। मुझे लगा कि अगर गुप्ता वहाँ के एसपी से बात करे तो शायद कुछ बात बन जाए। अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ? भाई रो नहीं इस तरह से, कुछ कुछ कर लेंगे, कोई इलाज निकाल लेंगे। हाँ? रो नहीं तुम। अरे भाई मैं हूं ना। उसके दूसरे दिन गुप्ता ने मुझे यहां लाकर रख दिया। विद्या जी, मैं मानती हूं कि मुझे उस दिन अच्छा लगा, पर अब नहीं, अब मैं यहां से निकलना चाहती हूं। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? भाग जाओ। वो धमकी देता है और उसके मोबाइल में मेरी कुछ तस्वीरें भी हैं। तो पुलिस में कंप्लेन करो। पुलिस? विद्या जी, अब वो दूसरे लोगों को भी मेरे पास भेजता है। तुम उन लोगों को पहचानती हो? हाँ, जो दो तीन बार आए हैं उनको मैं पहचानती हूँ, सभी पुलिस वाले हैं। ये तुम्हें कैसे पता? अब इतना तो पता चलता ही है ना। विद्या जी, मैं चाहती हूँ कि गुप्ता को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप लिखिए, मैं बताती जाती हूँ। इतना आसान नहीं है, ये काफी नहीं होता। टीवी को भी सबूत चाहिए। मतलब? तुमने मेरी नेहा वाली स्टोरी देखी थी ना? हाँ। तो जब वो गुप्ता यहाँ आएगा तो हम कैमरा में तुम्हें और उसे एक साथ स्टिंग। विद्या जी, और कोई रास्ता नहीं है क्या? तुम्हें यहाँ से निकलना है ना, बस भरोसा रखो, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखाएंगे। मैं उसे कहकर आई हूँ सर कि हम सिर्फ इंटरव्यू दिखाएंगे और कुछ भी नहीं। विद्या, विद्या ये टेलीविजन है, ये सब सुनने की नहीं देखने की भी चीज है। सच्चाई दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। Anyway, हम उसकी मदद ही तो कर रहे हैं। पर वो पहले से ही बहुत मजबूर है, हम उसकी परेशानी और ना बढ़ाएं तो ठीक रहेगा ना? तुम वही तो कर रही हो। Anyway, right now, तुम शूट तो करो, फिर देखते हैं। Okay. Okay, take this. Thanks. Good luck. Thank you. Good luck. Yeah. Okay, हम दोनों ऊपर। चलो। पर आपने तो कहा था कि आप अकेली रहेंगी। अगर मैं यहां रहूं तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, चलेगा। दैट्स बेटर। कितने बजे आएंगे गुप्ता? 7:30 बजे तक आ जाएंगे। टाइम है, चलो। देखो, अरुण और शेफाली बैंड में रहेंगे और यहां हम दोनों सब कुछ संभालेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तुम सब कुछ समझ गई हो ना? बस गुप्ता को शक नहीं होना चाहिए। गुड लक। गुड लक। रफीक, मिल रहा है ना? या जस्ट सी दिस। हेलो। हाँ, अरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अरुण। हाँ, वहाँ पे सब सेट है। हाँ, विद्या और रफीक घर में है, गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं। गुड। अरुण, विद्या से बोलो ज्यादा रिस्क ना ले। हाँ हाँ, ठीक है सर। एंड कीप कॉलिंग। हाँ, मैं आपको फोन करता रहूंगा। ओके। तुम्हारा ये नाम अनीता है? नहीं, संगीता। हाँ, जो भी है। वो गुप्ता साहब नहीं आए? गुप्ता साहब नहीं भेजा है मुझे। अरुण, ये गुप्ता नहीं है तो ये कौन है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये दांडेकर है।
कौन दांडेकर? गुप्ता का सीनियर डीआईजी दांडेकर। 2-3 साल पहले मैंने इसका इंटरव्यू कवर किया था, शायद ये वही है। दारू है क्या? दारू जा और एक पेग लेके आ। अरे आने शर्माती क्यों है? बैठ बैठ बैठ, दारू पिएगी? हाँ दारू पिएगी, थोड़ी सी, कुछ नहीं होता मेरे। अरे कुछ नहीं होता। अरे अबे गुप्ता, कहा भेज दिया तूने मुझे? क्यों, क्या हो गया सर? अरे साली हंसती भी नहीं, बाकी तो छोड़। हाँ जरा बात कर ले उसे, समझा देना उसे। हाँ दीजिए, मैं उसे बात करता हूँ सर। हाँ एक मिनट गुप्ता। हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? हाँ क्या दिक्कत है? पर गुप्ता साहब, वो जो कह रहे हैं चुपचाप करो तुम, समझी? वरना तुम जानती हो ना, शर्मा रही है? शर्मा रही है क्या? अब एक काम कर, शर्ट के बटन खोल 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 खोल। शाबाश। एक काम कर, अब तू वहां जाके खड़ी रहे। अब तू कपड़े उतार उतार। शाबाश, ला इधर ला। एक दारू लेके आ जा। हेलो सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल। एक्सेलेंट। हाँ कंसोल रूम देना। या
कल क्राइम टाइम में एक ब्रेकिंग न्यूज होगी, स्टार्ट द प्रोमोज। हकीकत ने ऐसा पकड़ा गिरेबा और पड़ गई सिलबटी ख्वाब पर, जुबान सिल गई है, बदन कर चाय या कोल्ड ड्रिंक पिए। शट अप शेफाली, कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठो। शाबाश, एक काम करो, तू आ जाके खड़ी रहे। ग्रेट स्टफ। या कौशिक, तुम देखना ये टीआरपीस कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। Brilliant stuff. Sir, ये सिर्फ stuff नहीं है। उस लड़की पे क्या बीत रही होगी वो? सब इस्तेमाल करेंगे हम। विद्या ने जो इन दोनों के क्लोजअप्स लिए हैं ना, उनको मास्टर। सर, ये क्लोजअप्स we can't use them, sir. लोगों को पसंद नहीं आएगा। Are you crazy? लोग यही तो पसंद करते हैं। Sex and violence ही आजकल चलता है। और इस स्टोरी में तो दोनों हैं। सर, अगर हम उसे यूज करेंगे तो गुप्ता अलर्ट हो जाएगा और हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है और फिर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम चाहती हो कि मैं इस हिट स्टोरी को अलग रख दूं? बिल्कुल नहीं, ये स्टोरी टेलीकास्ट होगी और जैसे मैं कहता हूं वैसे ही। सर, मुझे लगता है विद्या जो कह रही है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कौशिक, तुम भी? सर, गुप्ता को पकड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, ना ही इस लड़की की तस्वीरें दिखाना। दांडेकर ने खुद फोन पर दो बार गुप्ता का नाम लिया है, हमारे पास सबूत है। सर, ये सबूत काफी नहीं है सर, ये हम सब जानते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? देखिए सर, ये स्टोरी टेलीकास्ट होगी लेकिन जैसे विद्या चाहती है। नो, नॉट एट ऑल। ये स्टोरी विद्या की है सर। पर ये चैनल मेरा है सर। सर, जरा सोचिए, कितने मेहनत से विद्या ने ये सब किया है। पर क्या आप चाहते हैं ये सब बेकार हो जाए? क्यों विद्या? हाँ विद्या, ये टेप्स तुम ही एडिट करोगी क्योंकि प्रोमोस आने शुरू हो चुके हैं। ऑलराइट? कौशिक सर, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। एक काले पठे नित्य महाबाप नाशन काले एक मन तहत काले उठो। नित्य महाशुद्ध विनाशन महाशुद्ध कवि नित्य प्रसन्न वरदाश। आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? दो ही तो लेक्चर्स है। तुमने वो फार्म हाउस का ब्रोशर देखा? फैंटास्टिक। तुम्हारे माँ का बर्थडे प्रेजेंट। क्या, कल खरीद भी लिया? वाओ ग्रेट। अरे नहीं, अरे लो, अरे पियो तो। फॉर माय बिलीव्ड वाइफ। जरा इसे अंदर रखो। रेशमा, रेशमा, क्या है? तुमने मेरे वॉलेट से 500 रुपए लिए। क्यों, तुम्हारे खत्म हो गए थे क्या? यार कितनी बार कहा मैंने मेरे वॉलेट से पैसे मत लिया करो तुम। क्या हुआ? नहीं, वो वॉलेट से। ये लो, रख लो। थैंक्स। अपना नया फार्म हाउस कैसे लगा तुम्हें? नाइस। रियली? ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, मेरा दोस्त मुझे पिक कर लेगा। बाय बाय बाय। इसे वापस हाथ मत लगाना। खाना खाने आ रहे हो ना? हाँ। रिमोट कहाँ गया? रेशमा, रिमोट कहाँ है? हमेशा अपने पास रखती हो तुम। कानून का रखवाला या फिर वैश्विक दरिंदा, एक मासूम लड़की कैसे बनी एक डीआईजी के हवस के शिकार?
सुनिए, देखिए डेटलाइन का सनसनीखेज खुलासा, जब देखो टीवी 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 हमारे खास कार्यक्रम बंद करो। गुप्ता क्या हो रहा है सर? पता नहीं वो डेटलाइन चैनल पे क्या दिखा रहे लोग। हाँ सर, वो मैंने बस अभी 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 देखा है सर। देखो क्या मैटर है, जल्दी पता करो सर। डीआईजी का रैंक ओपन होने के बाद में नेक्स्ट प्रोमोज में शहर का नाम बताओ, उसमें क्या है कुछ, उसके बाद में धीरे धीरे वो इससे पहले कहाँ पे था, किस पोस्ट पे था, ये बताते रहो। यू नो लाइक अ बायो डेटा, या एंड फाइनली उसका नाम। ओके, ये इस प्रोमो का क्या है कैप्शन? हेलो, ये वर्दी के पीछे। हाँ बोलो। अरे नहीं यार, अभी दोनों एड स्पॉट्स होल्ड करो। अरे दांडेकर का नाम ओपन होने के बाद बाद में एड स्पॉट्स रिलीज करना। अच्छा अभी होल्ड करो। अरे नाइन्थ प्रोमो की कॉपी भी चेंज करनी पड़ेगी, ये रक्षक बन गया भक्षक पुराना हो चुका है। ओके okay. कोई नया वर्ड कॉइन करो, जैसे इंसान बन गया हैवान। यस साउंड्स नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुम जल्दी आ गई। हाँ, तुम्हारी स्टोरी कब है? मम प्लीज, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है। आप देखेंगे पुणे के डीआईजी का घिनौना कृत्य। क्या आप इसे कानून का रखवाला कहेंगे या एक वहशी दरिंदा? फैसला आप पर है। शर्मा रही है। शर्मा रही है क्या? ये मेरा एडिट नहीं है। कुछ कहा तुमने बेटा? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं होता। अरे यार, ए और एक दारू लेके आ जा। आने शर्मा। हेलो डेटलाइन। हेलो। हाँ मैं सीमा। हाँ सीमा, कैसी हो? ठीक हूँ। विद्या है? विद्या? हाँ। हाँ एक मिनट, वो मेरी फ्रेंड है ना सीमा पाए। कौन? वो उसकी किताब। लो तुम खुद ही बात कर लो। हेलो। हेलो विद्या, मैं तुम्हारी स्टोरी देख रही हूँ। फैंटास्टिक। अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। मैं इस पर एक किताब लिखना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसी बातों पर ही लिखती हूँ। तुमने मेरी पिछली किताब तो पढ़ी होगी, डॉटर्स ऑफ विमेन। एक मिनट। अरे ये हेलो। हे विद्या, फैंटास्टिक है। ग्रैंड स्टोरी तुमने की। कांग्रेट्स मैन। कल मैं तुम्हें वापस फोन करूंगी। ओके। रफीक तुमने देखा? हाँ विद्या। उस अरोरा और कौशिक को मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो विद्या, डोंट गेट एक्साइटेड। एक देखो तुम कहाँ हो? मैं बस, यू टेल मी व्हाट टू डू। ऑफिस पहुँचो और वहीं पे रहो, और सबको बुलाओ वहाँ। हाँ, मैं भी पहुँच चुका हूँ। मैं पहुँच ही रही हूँ। ओके बाय। सी ग्रेड हिंदी फिल्म होती है ना, वैसा लग रहा था सब। पत्रकारिता ऐसी नहीं होती, मसालेदार और बिकाऊ।
क्या सोच कर गए थे उस लड़की के पास आप? शर्म नहीं आई आपको? ये भी नहीं सोचा कि आपकी एक जवान बेटी है, एक बेटा है, अब क्या जवाब दोगे उन्हें? नहीं, वो कैमरे के जरिए, आई मीन असली नहीं है वो, मैं बाबा, क्या आप उस लड़की के घर गए थे? बाद में आपने उसके साथ कुछ किया ना किया, मेरे लिए दोनों एक ही है। ठीक है, मैं यहां से जा रही हूं। मुझे नहीं लगता रेशमा यहां आपके साथ सिक्योर्ड है। चलो रेशमा। सुनो, मैं रेशमा बेटी है मेरी। बाबा, आई थॉट यू वर अ गुड मैन, पर आप अच्छे नहीं है। डीआईजी दांडेकर को सस्पेंड किया गया है और कल एसपी गुप्ता की 4 घंटों की कड़ी इंक्वायरी हुई। पिछले 2-3 दिनों से आरोपों में घिरे हुए एसपी गुप्ता क्या वाकई में बदनाम पुलिस ऑफिसर है या फिर उनके खिलाफ ये कोई घिनौनी साजिश है, ये जानने के लिए एसपी साहब के कुछ और पहलुओं पर गौर करना भी जरूरी है। एसपी प्रभाकर गुप्ता ने पुणे में चार्ज लेते ही वहां के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी थी। उनके इसी अभियान से अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई लोग उनसे परेशान थे। सर, डीआईजी दांडेकर इंक्वायरी में बार बार आपका नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए दांडेकर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे हमेशा से शक रहा है कि उन्हें कोई परेशानी है, मुझसे कोई दिक्कत है। तो श्वेता, एसपी गुप्ता के बातचीत से ये साफ जाहिर होता है कि वो एक फैमिली मैन है। बाला, तुम देख रहे हो? हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। तो ये क्या बकवास दिखा रहे हो? क्या कि गुप्ता एक फैमिली मैन है, एक अच्छा इंसान है, उसका उसके गुनाह से क्या ताल्लुक रखता है? अभी तक उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है। देखो, तुमने एक स्टोरी दिखाई अपने एंगल से, उसी स्टोरी के दूसरे एंगल्स भी तो हो सकते हैं। देखो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो संगीता के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और हमें कुछ करना चाहिए। संगीता? संगीता है कहाँ? आईजी के हवस के शिकार, देखिए डेटलाइन चैनल का सनसनीखेज। देखिए दांडेकर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मैं मुझे नहीं लगता रेशमा यहाँ आपके साथ सिक्योर है। डीआईजी दांडेकर ने एक ये इमेज कैसी है सर? नाइस, यस। एक जीती जागती लड़की को आप स्टोरी समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, नेवर। विद्या, इतनी जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। जज्बाती? मैं संगीता के घर पूना गई थी, वो टेलीकास्ट के दिन से गायब है। अगर गुप्ता ने उसे उठा लिया तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। धोखा दिया आपने मुझे। विद्या, तुम्हारे जाने के बाद संगीता यहाँ आई थी। डेडलाइन के गेस्ट हाउस में वो सुरक्षित है। अरोरा सर ने उसे
30,000 रुपए भी दिए। मैं तुमसे बात कर रही हूं संगीता, क्यों लिए तुमने पैसे? इसका मतलब जानती हो? वो तुम्हें खरीदना चाहते हैं। बचा क्या है मेरे पास? जो था वो तो तुमने बेच दिया, पूरी दुनिया के सामने मुझे दिखा दिया। अब तो तुम्हारा काम हो गया है ना, क्यों आई हो यहां पर? झूठी तसल्ली देने? प्लीज संगीता मेरा विश्वास करो। कैसे करूं? तुमने कहा था कि टीवी पर सिर्फ मेरा इंटरव्यू दिखाएंगे, कहा था ना? अरे गुप्ता ने जो किया वो तो कम से कम चार दीवारी के अंदर था, पर तुमने तो वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी तो उन्हीं के लिए काम करती हो ना, तुम्हारा कौन सा लेना देना है मुझसे? इसलिए तो मैं तुम्हें मिलने आई हूं ना। इतने दिनों बाद, और इतने दिन कहां थी तुम? अगर इस बीच गुप्ता मुझे उठवा लेता या मरवा देता तो? प्लीज संगीता मेरी बात तो सुनो। एक बात आप सुनिए मेरी, आपको कभी मेरे घर वालों का ख्याल आया? अरे जो मुझ पर बीत रही है ना, अगर वो आप पर बीतती तो क्या मुंह दिखाती आप अपनी माँ को? आप प्लीज जाइए यहां से, मेरा जो होगा मैं देख लूंगी। विद्या, यू नो व्हाट, मीडिया पर्सन एक अंपायर की तरह होता है। अगर उसका बेटा आउट हुआ ना तो उसे हाथ उठाना ही पड़ता है। पर मैं इसे खेल नहीं समझती हूँ, तुम्हारे समझने या ना समझने से फर्क क्या पड़ता है? मगर पढ़ना चाहिए ना, ऐसे किसी की जिंदगी कोई और तय करे या उसके साथ खिलवाड़ करे? एब्सोल्युटली नॉट। कम ऑन विद्या, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, यही तो मीडिया की ताकत है। ताकतवर लोगों के दुख और सुख दोनों बड़े होते हैं। मान लो कि इस रेस्टोरेंट में सभी दुखी हैं या सभी सुखी हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे का सुख बांट रहे हैं? नहीं विद्या, जस्ट हैव अ लुक एट देम, ये अपने आप में कितने मसरूफ हैं। पता है विद्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव चाहिए। कम ऑन, गो एंड टेक अ नॉन कमर्शियल ब्रेक, 4 दिन की छुट्टी मनाओ। कम ऑन स्वीडी, बी योरसेल्फ, रीड गुड बुक्स एंड हियर गुड म्यूजिक यार। भागे कैसा रास्ता कैसी मंजिल कौन है तेरे आगे तू किसके पीछे भागे भागे कैसा रास्ता कैसी मंजिल कौन है तेरे आगे तू किसके पीछे भागे। तो ये मन खाली खाली उस पे तेरी नजर सवाली,
हैं हर कोई अजनबी है किस भूल भुलैया में खोई ये जिंदगी है आईनों के नगर में हर कोई अजनबी है किस भूल भुलैया में खोई ये जिंदगी है पीछे भागे 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 अरे मेरा बेटा कब है तू अभी पहुंची चाचा जी सब कुछ ठीक है ना हाँ अच्छा ये बता कैसा लगा हमारा प्रेस अच्छा लगा प्रिंटिंग प्रेस है तो पुराना लेकिन काम नए ढंग से हो रहा है चाचा जी रोज रोज एक ही खबर छापेंगे क्यों बेटा जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता ये खबर ऐसे ही छपेगी अब तो घर चल तू थकी होगी तुझे कुछ खाना वाना खिलाता हूँ आता हूँ मैं अभी आजा बेटा आजा आजा एक्सक्यूज मी सर ये क्या है मेरा इस्तीफा क्यों यहाँ की रफ्तार बहुत तेज है और मैं उसे सह नहीं सकता प्रिंट मीडिया वापस भी नहीं जा सकता खैर ऑल द बेस्ट थैंक यू मुताबिक खन्ना के कुछ राजनेताओं से करीबी रिश्ते थे और ये रिश्ते वैसे नहीं थे जैसे कि एक पत्रक तो वो मुझसे बोले कि भाई तुम्हें बीवी चाहिए या नौकरानी चाहिए मेरे का नौकरानी की एक क्वालिटी तो होती है ये बीच में कभी कभी छुट्टी लेकर के जाती है कुछ दिनों के लिए तो पीछे छूटता है बस उसने मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया इसीलिए मैं बाहर आया विद्या बाला क्या बात है तुमने खुद फोन किया टीवी स्विच ऑन करो शट अप बाला मैं यहाँ टीवी देखने नहीं आई हूँ There's a bad news यार क्या हुआ संगीता नो तृष्णा She's been shot dead विद्या वापस आई मुझे नहीं लगता सर वो वापस आएगी उसे इंजेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो और उसकी जगह वो कौन है लड़की उसकी टीम में शेफाली हाँ शेफाली उसे टेक ओवर करने दो She has a very bright future ओके सर I'll do that. देखो बेटा हिंसा का मतलब खून खराबा नहीं होता लेटेंट वायलेंस जैसी भी एक चीज होती है और इस तरह का जर्नलिज्म तो हिंसा के सहारे बंधा हुआ है उसी पर पल रहा है इसीलिए उसका अंत भी वैसा ही होता है जैसे कि तुम्हारी दोस्त तृष्णा का हुआ चाचा जी उसकी उम्र ही क्या थी तुम गाड़ी चलाती हो
तुमने कभी साइड व्यू मिरर में पढ़ा है क्या लिखा होता है? थिंग्स आर क्लोजर देन दे अपीयर. अब क्या फायदा है ऐसी मौत का? आप शहीद तो नहीं कहलाते. मैं इतनी छोटी सी जगह पर एक छोटा सा अखबार चलाता हूं, लेकिन वो मेरा हथियार है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं. मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन चाय मीठी है, पी लो. चाचा जी, अब मैं क्या करूं? इन कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया इधर से उधर हो गई है. संगीता की तरह? हाँ, आज तक जो भी मैंने किया है सब क्या बेकार है? क्या यही इसी का अंत है? ना, ये अंत नहीं है बेटा, ये शुरुआत. देखो बेटा, मेरे पास मेरा अखबार एक छोटा सा हथियार है जिसका कि मैं इस्तेमाल करता हूं. तुम्हारे पास तो इतना बड़ा हथियार है, लेकिन शायद तुम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका मिसयूज करते हो, इसीलिए तो ये सब तबाही है. बेटा, तुम वही करो जो कि तुमको पहले ही कर लेना चाहिए था, खबर को खबर की मंजिल तक पहुंचाना. और किसी भी खबर की मंजिल अखबारों की सुर्खियां या चैनल नहीं होते. खबर को खबर की मंजिल एक दूसरी खबर में मिलती है जो कि तुम बनोगे. घर बुलाया था? नहीं. अलीबाग में वो कितने दिन थे? मैं जब उनसे मिलने गई थी तो उसके 2-3 महीने बाद उनका पुणे में तबादला हो गया था. यानी आप अलीबाग में भी उनसे मिलती थी? देखिए, मैं उनसे मिलने सिर्फ एक बार उनके ऑफिस गई थी. गुप्ता शादीशुदा है, क्या ये आप जानती हैं? ये तो ऐसे आदमी पर आरोप करके आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? क्या आप ये चाहती है कि आपकी धमकियों से गुप्ता साहब आपको कुछ पैसे दे और आप उन पर से सभी इल्जाम ही मिटा देंगे? Have you decided to go for a settlement? देखिए, आप जो अंग्रेजी बोल रही हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आती. मैं बस इतना जानती हूँ कि गुप्ता ने मेरे साथ जबरदस्ती की है और उसे दूसरे लोगों को भी मेरे पास भेजा है, और दांडेकर भी उनमें से एक है जिसे इन लोगों ने कैमरा में. देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गुप्ता डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से बच निकला सबूत की कमी से,
तो हमने तय किया है कि हम हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे. We will fight till the end. Thank you. Hey, Vidya. संगीता तुम गाड़ी में वेट करो, मैं अभी आती हूँ. जी. तुम कितना खतरा उठा रही हो पता है तुम्हें? आई मीन व्हाई यार, ये कौन है संगीता? कितना जानती हो तुम उसे जिसके लिए सब कर रही हो? अगर तुम मुझे डिस्करेज करना चाहते हो ना तो प्लीज. देखो, ये गुप्ता बहुत बड़ा आदमी है, उसके कनेक्शंस हर जगह हैं. गुप्ता के खिलाफ जाना चाहती हो तुम, उसके लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, है? चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी. संगीता मेरे साथ है. ओके, इफ यू हैव डिसाइडेड व्हाट कैन आई से, लॉयर कौन है तुम्हारा? अभी तक तय नहीं किया है. अभी तक तय नहीं किया, पता था मुझे. सबसे पहले लॉयर से बात करनी चाहिए थी, फिर प्रेस वालों को बुलाना चाहिए था. नेवर माइंड, सब ठीक है. आई एम देयर, आई हैव गॉट अ फ्रेंड, ही इज अ डायनेमिक लॉयर, वो हमारी मदद करेगा. आई विल स्पीक टू हिम. ऑलराइट. अच्छा बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ, क्या बात है? मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, लॉन्ग लीव. कुछ शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? बेटर लेट देन नेवर. पागल हो गई हो तुम? जब भी कोई छुट्टी पे जाता है तो क्या शादी करता है? मैं डेट छोड़ रहा हूँ. क्यों? तो अब तुम नहीं हो तो अब टीम लीडर शेफाली है, तो तुम खुद ही समझ जाओ ना. ऐसा क्या है मुझ में? तुम सुंदर हो इसलिए मेरी बहन नहीं हो सकती. स्लिम हो तो मेरी बीवी नहीं हो सकती, और उम्र में इतनी छोटी हो कि मेरी दोस्त भी नहीं हो सकती. तो ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता? योर पैशन, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, इस माहौल में भी तुम करप्ट नहीं हो. मैं चलता हूँ, जूस के पैसे दे देना, बुंदेला के घर से तुम्हें बचा के लाया था उसके बदले में. क्या करोगे रफीक? सोचा नहीं है, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता, और दूसरा कोई मेरे लिए क्यों सोचे. ए, डोंट वरी, मैं देख लूंगा, डोंट बॉदर. टेक केयर रफीक. हर चैनल पर तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट्स आ रही हैं. तुम बेसिक रूल्स तोड़ रही हो. सर, वो मेरा पर्सनल मामला है. भाड़ में गया तुम्हारा पर्सनल मामला. तुम डेटलाइन की एम्प्लॉई हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टेटमेंट डेटलाइन की स्टेटमेंट मानी जाए. सो स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ. तो इसका मतलब अब आप मेरे लिए सब कुछ डिसाइड करेंगे? तो तुम ही डिसाइड कर लो, बट जस्ट टू एज आई से. सर, आप मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी. तो जाओ और चिल्लाओ, मगर याद रखना कि मैनेजमेंट तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर सकता है. ये आप चाहते हैं या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जो चाहता है वो उसने कर लिया है. क्या? संगीता को गेस्ट हाउस से बाहर निकाल दिया गया है. What? Hi mom, hi dad. Hello बेटा. ये है संगीता. कैसी हो? ठीक हूँ. बैठो बैठो बैठो. बैठो बेटा. चाय पियोगी? हाँ, हम सब पियेंगे. बेटा जरा अंदर आना. एक मिनट. अच्छा, आराम से बैठो बेटा, मैं अभी आया. जी बेटा, प्रॉब्लम्स तो सभी को होते हैं. वो बिल्कुल अकेली है मॉम, उसे भी तो अजीब लगेगा कि वो किसी गैर के घर में रह रही है. मम्मी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. वही तो मैं कह रही हूँ, संगीता कितने दिनों तक रहेगी? हमने कोर्ट में अपील की है. कुछ बस... दिनों के लिए रहेगी. थैंक्स डैड. देखो बेटा, हम तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकते हैं, तुम्हारे प्रोफेशन की नहीं. ये... जो कुछ यहां हुआ वो यहीं खत्म हो जाना चाहिए.
एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड और होशियार भी। होशियार नहीं सर, बहुत होशियार है। हाँ, उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत स्मूथ है। कोई भी चैनल उसको अच्छा ऑफर देगा। करेक्ट, तो उससे कह दूं? कोई भी चैनल, हम नहीं। वाई सर? देखो, उसके अपने उसूल हैं। जब उसूलों से देश नहीं चलता तो एक चैनल क्या चलेगा। गुप्ता जी ने तुम्हें वो घर लेके दिया जिसमें तुम रहती हो, और फोन भी। जी। उस घर का किराया कौन भरता है? गुप्ता साहब। योर ऑनर, ये उसकी रिसीट्स हैं। ये सब संगीता के नाम पर हैं योर ऑनर। हाँ तो संगीता, गुप्ता साहब रोज आया करते थे? नहीं, 15-20 दिन में एक बार। तुम मार्केट जाती हो? बैंक में कपड़े सिलाने बाहर जाती हो? हाँ, कभी कभी। तो फिर तुम भागे क्यों नहीं, घर पे क्यों रही? डर लगता था। गुप्ता साहब तुम्हारे पास आदमी भेजने लगे, ऐसा तुमने कहा। कब से? एक साल से। कितने आदमी भेजते थे? हफ्ते में, महीने में, या फिर हर रोज? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सीधे तरीके से पूछिए। यस योर ऑनर। एक साल के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि गुप्ता साहब के खिलाफ शिकायत दाखिल करनी चाहिए। उसके पहले तुम्हें शिकायत दाखिल करने का ख्याल नहीं आया? क्योंकि दांडेकर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। बलात्कार के बाद क्या तुम गुप्ता जी से मिले? नहीं। नहीं? क्यों? गुप्ता जी को तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना? खैर, फिर मैं वहां से भाग गई। भाग गई? पर तुम तो कह रही थी कि तुम्हें भागने से डर लगता है ना? खैर, फिर क्या हुआ? फिर मैं डेडलाइन चैनल के गेस्ट हाउस में रहने लगी। और उन्होंने मुझे 30,000 रुपए दिए। गुप्ता जी के खिलाफ तुमने खुद शिकायत दाखिल की? मैंने और विद्या जी ने मिलकर। विद्या? योर ऑनर, विद्या डेडलाइन चैनल के लिए काम करती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। आज एसपी गुप्ता के वकील एडवोकेट खोसला ने अदालत में कुछ ऐसे तर्क पेश किए जिससे कि संगीता के पक्ष को मुंह की खानी पड़ी। आपको क्या लगता है अदालत क्या फैसला सुनाएगी? देखिए रूपाली, अगर मैं फैसला सुनाऊंगा तो अदालत क्या सुनाएगी? क्या जरूरत है किसी और के पास जाने की? ये सब अच्छा नहीं लगता। लोग उंगलियां उठाते हैं। घर का खाना खाने के बाद भी लोग होटल में जाते हैं ना, उन पर कोई उंगली उठाता है? ये दोनों अलग बातें हैं। भूख है दोनों, सिर्फ भूख है। मुझ में कुछ कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए आप ऐसा। चुप कर, चुप। पैसे ला के देता हूं तुझे। हैं? गहने हैं, साड़ियां हैं, उसमें कोई कमी है? कोई कमी है? बोल। नहीं। बस। तेरा पति ऐसा ही है, समझी? समझी? देखो विद्या, जो हुआ सो हुआ, अब हमें एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। मैं खुद ये चाहता हूं कि संगीता को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। जो संगीता के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, यही तुम चाहती थी ना कौशिक? बोलो ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बोलिए। विद्या, मैंने अरोरा जी से बात की है, उनका भी यही कहना है कि संगीता की स्टोरी तुम ही कवर करो।
क्योंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानती हो एंड यू बिलोंग टू दिस चैनल, इसलिए डेडलाइन को एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव कवरेज आराम से मिलेगा। हाँ, और तुम्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। तो क्या करते हैं, कब से शुरुआत करेंगे? कल से? सर, अब मैं क्या रिपोर्टिंग करूंगी? आई एम मोस्ट सूटेबल फॉर लॉगिंग दीज टेप्स। हमारी रिपोर्टर विद्या सैगल ने किया इस केस का पर्दाफाश। कैसे लड़ती रही वो संगीता के लिए, देखिए इस पर स्पेशल रिपोर्ट आज शाम 7 बजे। आपको यही कहना है कि आप संगीता को जानते नहीं है? जी नहीं, क्रिमिनल होगी तो जरूर मिला होगा, पर क्रिमिनल्स के चेहरे मैं याद नहीं रखता। अलीबाग में आपने उसके क्वार्टर्स वापस देने का ऑर्डर दिया था, राइट? होगा होगा नहीं, आपने खुद अर्जी लिखी है, आपके दस्तखत है उस पर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये 4 अर्जियां और हैं जो आपने खुद ने लिखी है, इस पर आपके दस्तखत भी है। ये सब आपके खास पहचान के लोग हैं। इत्तेफाक हो सकता है? ये रहे आपके मोबाइल के बिल्स, इनमें संगीता के घर के नंबर्स भी शामिल हैं। आई एम सॉरी सर, ये आपके पास गलत बिल है। मेरा फोन नंबर 9422-00336। ओह आई सी, आई एम सॉरी। हाँ, ये रहे आपके मोबाइल के बिल्स, इनमें संगीता के नंबर्स हैं। रॉन्ग नंबर भी तो लग सकते हैं। हाँ लग सकता है, लेकिन कोई भी आदमी रॉन्ग नंबर पर 7 मिनट 25 सेकंड और 5 मिनट 14 सेकंड बात नहीं कर सकता। नहीं, मगर इसमें तो ये हमें कुछ साबित नहीं करना है, पर ऐसा बार बार तो नहीं होता। हमारे पास क्रेडिट कार्ड के कुछ बिल्स हैं जो सभी दुकानें लगभग संगीता के घर के आसपास ही है, और गुप्ता जी का घर और ऑफिस संगीता के घर से काफी दूर है, और कोई भी आदमी छोटी सी चीज खरीदने के लिए इतना दूर तो नहीं जाएगा। योर ऑनर, मैं कोर्ट के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जो इस केस का सारा रुख ही बदल देगा। हेलो मैम। हेलो, अब हमें कुछ और सोचना होगा। अरे मार डालो क्या जज को? मार दूं उसे, दूसरा जज आएगा। संगीता, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मम्मी वहां पे होंगी, मैं बाला के साथ डेडलाइन होके आती हूँ। ठीक है। उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाइट में आई वुड लाइक यू टू यूज क्लासिकल म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। या इस केस के सिलसिले में अगर आप मेरा नाम ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। आप मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं जानती हूँ, ये मेरा इस्तीफा है। विद्या, आई डोंट थिंक दैट एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर। आखिर अफसरों को भी मनचाही पोस्टिंग इन्हीं के जरिए जो मिलती है, ऐसे में मीडिया जब स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए भ्रष्ट नेताओं के कुकर्मों को उजागर कर रही है तो उसे भी दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। न्यूज चैनल्स का मूवमेंट करने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल को तैयार किया जा रहा है, और ये बिल कानून में तब्दील हो इसके आज कोर्ट में फैसला हो ही जाएगा और हमारे फेवर में होगा। तुम केस जीत जाओगी, जो मुझे चाहिए ना वही होगा। गुप्ता को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ? क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं, हाँ थोड़ा सा। चले? चलो। योर ऑनर, जैसे मैंने कहा कि योर ऑनर, केस नहीं लड़ना चाहती। The case is dismissed. It's okay.
होता है यार। Hey, come on, listen to me now. तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। Just forget about it now, relax. Hey, listen. चलिए ये काम तो निपटा, अच्छे से हुआ ये। अच्छा मैं आपसे सर, आपको क्या लगता है इस फैसले के बारे में? मुझे अब देखिए मैं कौन होता हूँ कुछ भी कहने वाला। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और अदालत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन संगीता ने अपना फैसला क्यों बदला? अब ये तो वही आपको बेहतर बता पाएगी। सर दांडेकर साहब को क्या मिला आपको फंसा कर? देखिए दांडेकर साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। एनीवे दैट्स ऑल। संगीता बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया? धोखा तो तुम सबने दिया है मुझे। मैं किसी को क्या धोखा दूंगी? मैंने धोखा दिया है? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जब मुझे टीवी पर दिखाए जाने के लिए राजी किया जा रहा था ना, तब चाहिए थी मुझे मदद। जब बलात्कार हुआ, जब टीवी पर सब कुछ दिखाए जाने के बाद भी कोई मुझे पूछने तक नहीं आया ना, तब चाहिए थी मुझे मदद। और एक बात पूछूं, इस केस को जीतकर मुझे क्या मिलता? इंसाफ। और फिर तुम तो इस केस को जीतकर किसी और केस के पीछे भागते। अरे पर मेरा क्या होता? किसी ने सोचा? नहीं सोचा, इसलिए मुझे जो मौका मिला मैंने ले लिया। कैसा मौका? उस दिन कोर्ट के बाद जब तुम डेडलाइन गई थी तब। संगीता तुमसे बात करनी है। ड्राइवर 2 मिनट के लिए जरा। जी मैम साहब। कोर्ट में मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ रही थी क्योंकि वो मेरा पेशा है, लेकिन मैं एक औरत भी हूं, तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूं। अगर तुम केस हार गई तो तुम्हें क्या मिलेगा, और अगर तुम जीत भी गई तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? अलीबाग में सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हें वापस तो वहीं जाना है। खैर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसका गुप्ता जी को बहुत दुख है, वो तुम्हें एक नई जिंदगी देने को तैयार है। नासिक में घर भी देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, और मैं तुम्हें एक नौकरी भी दिलवा दूंगी। और गुप्ता जी वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएंगे। इस बात का क्या भरोसा है? वेल कहीं ना कहीं पर तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा। इंसान पैदा होता है ना तो अस्पताल में पैसे भरने पड़ते हैं, मरता है तो पैसे भरने पड़ते हैं, और इन दोनों के बीच जो जिंदगी है ना उसके लिए भी पैसे चाहिए। पर तुमने अपनी आजादी खोई है। मुझे आजादी नहीं, मुझे छुटकारा चाहिए था, पर आप इस बात को कभी नहीं समझ पाए। अरे सभी ने अपना अपना फायदा देखा, तो अगर मैंने भी वही किया तो क्या बुरा किया? कहीं बाहर घूम के आए? विद्या मैं आता हूं, आई हैव गॉट सम वर्क।
रफीक मिलना है। जिसकी शुरुआत तुमने की थी उसका अंत भी जैसे तुम्हें चाहिए था वैसे ही हुआ। अब क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे कहना है। वैसे देखा जाए तो आपका क्या बिगड़ा है सर? मजे से बैठ के शराब पी रहे हैं आप। मेरे बेटे ने आत्महत्या की, मेरी बीवी बेटी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे अधिकार छीने गए, बुरी तरह से मैं बेइज्जत हो गया। अब बचा भी क्या है, है? कहना बहुत आसान है, मजे में शराब पी रहे। आपने जो किया वो बुरा था, जो आपके साथ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसके आगे क्या? आगे कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए सर। आपके घर वालों का जो हाल हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं, और अब आपका जो हाल हो रहा है उसका भी कोई तो जिम्मेदार होगा। कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार आप लोग हैं। लेकिन गलती तो आपने की ना सर। ठीक है, हम मानते हैं वो सब कुछ जिस तरह दिखाया गया गलत था, लेकिन हम क्या करते? वी वर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी। हमें लीड मिला, हमने कर दिया। आपने कर दिया, मैं बर्बाद हो गया। गुप्ता छूट गया। गुप्ता भी बर्बाद हो सकता है, हम कर सकते हैं, हमें बस लीड चाहिए, बाकी आप सोच लीजिए। बाला चल, इनसे कुछ नहीं होने वाला, हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चल चल चल। आई थिंक यू आर राइट। एक मिनट, हेलो आंटी। हेलो बाला। विद्या चलो। बाला प्लीज, मैं मूड में नहीं हूं। तुम मेरे साथ चलो तो सही। बेटा वो कह रहा तो चली जाओ। करेक्ट, बहुत जरूरी काम है इसलिए कह रहा हूं। क्या? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कहां? ये कहां ले आए हो मुझे? ये हम लोग चैनल है। I have joined here as a bureau chief. अच्छा है। Thank you. Hi Vidya. Rafiq, तुम? हाँ, और अब तो तुम भी? नहीं। विद्या प्लीज, कम से कम पहली न्यूज तो तुम पढ़ो मेरे लिए। नहीं प्लीज बाला, नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो देख लो कि क्या लिखा है। रफीक, आओ बढ़ो। बैठना यार। तो
चाय कॉफी? नहीं, मैं पी के आ गया। गुप्ता, मेरा एक पर्सनल काम है तुमसे। हाँ, लेकिन जरा जल्दी बोलो यार, क्या काम है? मेरा हाल तो तुम जानते हो, मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी बेटी मुझे छोड़कर चले गए। अरे अकेलापन अच्छा होता है, समझे? अगर मैं तुम्हारी तरह अकेला होता ना, आय हाय, रोज एक नया आइटम, रोज पार्टी। ये साला बी बच्चों का झंझट ही बेकार होता है। हाँ बोलो, काम की बात करो यार। तुमने कोर्ट में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों कही? जो हुआ तो वही कहा। बिल्कुल झूठ। तुम गए थे संगीता के पास? वो तो तुमने भेजा था। तुम आए थे मेरे पास, कुछ नया चाहिए जिंदगी में, मजा नहीं आ रहा है, इंतजाम करो। मैंने दे दिया तुमको संगीता का पता, और तुम गए उसके पास, और वहां से सीधा सस्पेंड हो गया ये। सॉरी। देखो, ऐसा है कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, कब कितनी यहां लिखा होता है। लेकिन क्या लड़की है, नहीं, जब राइफल से गोली छूटती है तो कैसा झटका लगता है कंधे को, है? एकदम वैसा ही लगता है जब वो नजदीक आती है तब, है? आए, आए, वो गई है तो भी साला जख्म छोड़ के गई है। सारी फंसाने वाली थी मुझे, बहुत बुरा फंसाने वाली थी, लेकिन वो एडवोकेट खोसला ने एकदम मस्त सही मैनेज कर लिया उसे। तुम पकड़े नहीं जाते तो आज तक ऐश कर रहे होते, है? मैं चलता हूं। ए, किस काम से आए थे? हाँ, बोलो, क्या कुछ उगलवाने आए थे मुझसे? हाँ, क्यों आए थे? बोल, हमने सिर्फ गुप्ता का कन्फेशन प्लान किया था, एंड द रेस्ट जस्ट हैपेंड। दांडेकर ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। सारे चैनल्स ये मानते हैं कि दांडेकर ने गुप्ता से बदला लिया। सच सिर्फ हमें पता है और हम वही दिखाएंगे। ये आजकल जो कुछ भी जिस रफ्तार से हो रहा है, हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन मोड़ जरूर सकते हैं। क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा? टेक कैमरा वन, एक्शन। नमस्कार, आपका स्वागत है हम लोग चैनल पर। मैं हूँ विद्या सैगल और एक नजर लेते हैं आज की विशेष खबरों पर। पड़ेंगे रास्ते और खिल उठेगी हर दिशा, गाएगी फिर ये जमीन और झूम उठेगा आसमान। सीने में हो सच की ताकत तो फिर क्यों हो मायूस। Breaking news.
truth resides in your heart. There's joy in each and every part. Your mind will flow, your soul will ring. You don't have to fear anything. The seas will laugh, the skies will smile, the earth will sing. You don't have to fear की ताकत।